हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा है, कोई भी आदमी अगर किसी महिला के कपड़े फाड़ता है, मारता पीटता है तो, या उसको छेड़छाड़ करता है तो उसको सज़ा मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक महिला किसी महिला के कपड़े फाड़ दे या उसे तंग करे, मारपीट करे तो उसको क्या सज़ा मिलती है? आज हमारा एक टॉपिक यही है। काश आप लोगों ने देखा हो गाँव में, घरों में, शहरों में, गलियों में महिलाओं को आपस में लड़ते हुए, ऐसे वैसे नहीं, इतनी ज़बरदस्त लड़ाई करती हैं जिसका जवाब नहीं है। और इन लड़ाई की वजह से यहाँ तक कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है जो गलियों में फाइट होता है औरतों का औरतों से, या शहरों में होता है, गलियों में, कॉलेज में, स्कूल में होता है, जो औरतें आपस में लड़ती हैं उनके क्या प्रावधान है, क्या सज़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला ये मुंबई मुंबई का है, जिसमें मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनोज जी का है, मनोज वसंत राव। उन्होंने उनके पास एक मैटर आया था जिसमें होता क्या है, एक महिला होती है, दो महिला आपस में झगड़ा करती हैं, और यहाँ तक कि एक महिला दूसरी महिला के क्या करती है, कपड़े तक फाड़ देती है, उसको वस्त्रहीन कर देती है, मतलब कपड़ा बिल्कुल उसको नंगा कर देती है। तो जो माननीय जज महोदय का कहना होता है कि देखिए वो क्या कहते हैं कि फैसला सुनाते हैं और कहते हैं आईपीसी की धारा 354 अपराधी के संबंध में लिंग तटस्थ है, और इस प्रकार का एक अन्य महिला की सील पर हमला करने के लिए एक महिला को दोषी ठहराया जा सकता है और सज़ा सुनाया जा सकता है। वो साफ साफ कहते हैं, कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 इसलिए सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, मतलब किसी को भी नहीं अगर छोड़ा जा सकता। इस धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है तो उस सबको सज़ा मिलेगा, या नहीं कहा जा सकता कि महिला को केवल इस धारा के तहत किसी किसी भी सज़ा से छूट दी जाए। मजिस्ट्रेट ने जोर देकर कहा कि आईपीसी की धारा 354 यौन अपराध नहीं है, बल्कि आपराधिक बल और आक्रमण के अध्याय के अंतर्गत आती है, जिसमें एक महिला की लज्जा भंग करने के इरादे या ज्ञान के साथ आपराधिक बल के उपयोग सहित आवश्यक सामग्री शामिल है। आरोपी रोवेना भोसले को 19 जो मामला है 19 सितंबर 2020 को आईपीसी की धारा 323 और 354 के तहत अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करने और लंबे समय से चल रहे आ रहे विवाद के कारण कई अन्य लोगों के सामने इमारत के रास्ते पर अपना नाइट गाउन फड़वाने का दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष ने यह 6 गवाह से जिरह की गई, जिसमें एक के अनुसार नाइट ड्रेस फटने के बाद पीड़िता को जूते से पीटा गया और पूरी तरह से नग्न कर दिया गया। एपीपी ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए थे। हालांकि अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि दोनों महिलाएं पड़ोसी हैं और उनका सील भंग करने का कोई इरादा नहीं है, यह धारा महिला पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 8 के अनुसार धारा 354 आईपीसी में प्रयुक्त सर्वनाम ही या तो पुरुष या महिला को संदर्भित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत एक पुरुष और एक महिला दोनों को किसी भी महिला के खिलाफ हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने के इरादा या ज्ञान के साथ दोषी ठहराया जा सकता है और महिला की लज्जा भंग की जाएगी और उसके लिए दंडित किया जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाया कि जब किसी महिला के खिलाफ उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के खिलाफ बल प्रयोग किया जाता है तो वह आपराधिक हो जाता है। हालांकि क्योंकि आरोपी 3 बच्चों की माँ थी, जिसमें से सबसे छोटी केवल 1.5 वर्ष की लड़की थी अदालत ने उसे अपराध में न्यूनतम सजा सुनाई। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई महिला किसी महिला के कपड़े फाड़ती है, मारपीट करती है, तो ऐसा नहीं, अगर कपड़े फाड़ती है तो केवल अगर पुरुष कपड़ा फाड़ता है तो उसको ही सज़ा मिलेगा, अगर एक महिला किसी महिला के अपमानित करती है, उसकी लज्जा भंग करती है तो उसको भी सज़ा मिल सकता है।
क्योंकि ये चीज़ आम बात है, गांव में घरों में लड़ाई फाइट ये हमें देखने को मिलती है। तो आप आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, और फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।